हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल अमराव। गाइज, इस वीडियो में देखेंगे अंकों का जादू पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 के अभ्यास 3 सब्ट्रैक्शन के हल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है सॉल्व, तो इसको सॉल्व करेंगे। 3 में से घटाएंगे 0, तो यहाँ पर 3 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 3। उसके बाद 2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 0। 5 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 3। उसके बाद 5 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1। उसके बाद 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 4। नेक्स्ट है 1 में से 7 ये जाएंगे नहीं, तो यहाँ से एक लेंगे 1 कैरी, तो यहाँ 11, 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ बचेंगे 3, 3 में से 5 फिर नहीं जाएंगे, अगेन कैरी लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हो जाएंगे 13, 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर बचेंगे 8, एंड यहाँ पर बचे 7, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएंगे 5। इस तरीके से ये पहली रो के सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। आप देख लेते हैं नेक्स्ट इमेज की सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या है, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेंगे 6। उसके बाद 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, एंड 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। नेक्स्ट 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बचेंगे। उसके बाद 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे जाएंगे नहीं, तो यहाँ से एक कैरी लेंगे। 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेंगे 5। यहाँ पर अब बचे 5 में से 6 घटेंगे नहीं, तो यहाँ पर अगेन ढाई लेंगे, तो यहाँ पर होंगे 15 में से 6 घटाएंगे तो ये बचेंगे 9। उसके बाद यहाँ बचे 6 में से आप घटाएंगे 5, तो यहाँ बचेंगे 1। उसके बाद 1 में से 7 घटाएंगे जाएंगे नहीं, तो यहाँ से लेंगे ढाई, तो यहाँ हो गए 11, यानी 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 बचेंगे। उसके बाद यहाँ बचे 7, 7 में से 9 जाएंगे नहीं, फिर एक ढाई लेंगे, 17 हुए, 17 में से 9 घटाएंगे यहाँ पर बचेंगे 8। उसके बाद यहाँ बचे 9, 9 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर बचे 1। उसके बाद यहाँ बचे 7, 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ बचे 4। इस तरीके से सेकेंड रो के सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आदित्य हैज़ टू बिल्ड ए हाउस ऑफ 2 रूम्स। 4600 ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड 1 रूम। इफ़ ही हैज़ ओनली 2500 ब्रिक्स, हाउ मैनी मोर ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड। देखिए, क्वेश्चन ये है कि आदित्य ने अपना 2 कमरे का घर बनाने के लिए उसे 4600 ईंटों की आवश्यकता है, बट उसके पास 2500 ईंट यानी 2500 ईंट ऑलरेडी हैं, तो उसको और कितनी ईंटें चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4600 में से घटा देंगे 2500, तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 0 में से 0 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो 0, 6 में से 5 घटाएंगे 1, और 4 में से 2 तो 2, यानी कि अभी उसे 2100 ईंटों की और आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, देर आर 9476 बुक्स इन ए शॉप एट द बिगनिंग ऑफ ए मंथ। 7541 बुक्स वर सोल्ड आउट टिल द एंड ऑफ द मंथ, हाउ मैनी बुक्स वर लेफ्ट। यानी कि किसी दुकान में महीने के शुरू में 9476 किताबें थीं, उसके बाद महीने के अंत आते आते 7541 बुक्स क्या हो गई, बिक गई, सोल्ड हो गई, तो पूछा हाउ मेनी बुक्स वर लेफ्ट, अब कितनी किताबें बची, तो क्या करेंगे, 9476 में से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7541, तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से कैरी लेंगे, 14 में से 5 9, और यहाँ 8 में से 7 1, तो 1935 बुक्स जो है अभी भी दुकान में बचेंगी, तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ ए टेलीविज़न सेट इज 9548 एंड ऑफ ए मोबाइल फ़ोन इज 7485, विच इज़ मोर कॉस्टली एंड वाई हाउ मच। उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक टेलीविज़न सेट का मूल्य है 9548 रुपये, और एक मोबाइल फ़ोन का फ़ोन है 7485 रुपये,
उन्होंने पूछा टीवी और मोबाइल में किसका मूल्य अधिक है और कितना। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर टीवी का जो मूल्य है वो ज़्यादा है, टीवी का कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है किससे, मोबाइल फ़ोन से। तो यहाँ से टीवी के कॉस्ट में से मोबाइल का कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2063 रुपीज़। तो इतनी वैल्यू जो है ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इन ए सर्टेन ईयर वाज 5798, आफ्टर 3 ईयर्स इट बिकम 6589, व्हाई हाउ मच हैज़ द पॉपुलेशन इंक्रीज। यानी कि किसी गांव की किसी निश्चित वर्ष में जनसंख्या है 5798 और 3 साल बाद ये हो जाती है 6589। तो पूछा गया कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई। तो वृद्धि के लिए क्या करेंगे, जो पॉपुलेशन 3 साल बाद आई है वो है 6589, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तीन साल पहले की जो जनसंख्या थी 5798। तो यहाँ से बच जाएंगे 791 पीपल, यानी कि 791 जनसंख्या जो है वो बढ़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 4209। यानी इन हमारे पास डिजिट दिए गए हैं 4209, इन डिजिट से हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले बड़ा अंक लेंगे 9 4 2 0, उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे 2 0 4 9। यहाँ पर 0 से स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर 0 2 4 9 अगर लिखेंगे तो फिर उसमें 0 काउंट नहीं होगा और उसमें डिजिट 3 रह जाएंगे, तो इसलिए हमें 4 डिजिट की नंबर लेना था तो यहाँ पर लिखा 2049। अब क्या करेंगे, इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से इसका डिफरेंस आ जाएगा 7471, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब जो है इसमें फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट डिजिट्स भरने हैं, एक ट्री टाइप का इन्होंने चित्र बनाया है। तो इसको मैंने अलग से क्वेश्चन बना लिए, इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हैं उनको अलग से मैंने लिख लिया है। तो सबसे पहले क्या है, पहली रो में डिजिट्स मैंने लिखे 921 में से सब्ट्रैक्ट करना है 139, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 782। उसके बाद 745 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 232, तो ये वैल्यू आएगी 513, मैंने ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट करके दे दिया है। उसके बाद 834 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 157, तो यहाँ पर आएगा आंसर 677। उसके बाद 786 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 153, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर 633। उसके बाद 538 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 126, तो ये वैल्यू आएगी 412। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट रो में हमने क्वेश्चंस लिखे 1000 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 521, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 479। उसके बाद 650 में से सब्ट्रैक्ट करना है 230। उसके बाद 9999 में से सब्ट्रैक्ट करना है 8888, तो ये वैल्यू आएगी 1111। उसके बाद 797 में से सब्ट्रैक्ट करना है 214, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 583। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो ये 2 क्वेश्चन बचे हैं इसको भी कर लेंगे। 858 में से सब्ट्रैक्ट करना है 273, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 585। अब है 223 में से सब्ट्रैक्ट करना है 100, तो वैल्यू आएगी 123। तो इस तरीके से ये सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों कैसे लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।